नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि किस तरीके से हम अपने घर की कौन से दिशा में भगवान की फोटोज लगाएं, जिससे कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। और आज मैं हनुमान जी की बात करने जा रही हूँ। वैसे भी घर में देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना सभी को बेहद पसंद है और उनकी पूजा पाठ करना भी, लेकिन क्या उन तस्वीरों को लगाने का सही नियम आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, व्यक्ति अक्सर किसी ना किसी परेशानी से घिरा ही रहता है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले ही बाहें फैलाए खड़ी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का सहारा ही नजर आता है। संकटों से पीछा छुड़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा बेहद लाभदायी साबित होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में हनुमान जी की फोटो को लेकर कुछ टिप्स दिए गए हैं। अगर हनुमान जी की पंचमुखी फोटो को घर की सही दिशा में लगा लिया जाए तो आने वाली सभी समस्याओं, कष्टों और संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक बार श्री राम के संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें संकट से उबारा था। ऐसे में अगर घर में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा ली जाए तो ये घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने देती, साथ ही वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पंचमुखी में हर मुख का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, वास्तु जानकारों का मानना है कि घर में हनुमान जी के पंचमुखी अवतार वाली तस्वीर को लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर घर के दक्षिण पश्चिम में लगानी चाहिए, इससे वास्तु दोषों का नाश होता है। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की घर में ऐसी तस्वीरें लगाएं जिसमें वे दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हों। ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा नकारात्मकता होती है। ऐसे में इस दिशा में हनुमान जी की फ़ोटो लगाने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वानर मुख, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हनुमान जी के पंचमुख हैं उनके क्या अर्थ है, अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वानर मुख ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें हनुमान जी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जो कि दुश्मनों पर विजय दिलाता है। वराह मुख, दोस्तों उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी के इस मुख को लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक माना जाता है। गरुड़ मुख, हनुमान जी का गरुड़ मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ये जीवन की परेशानियों और रुकावटों का नाशक माने जाते हैं। अश्वमुख, आकाश की दिशा की ओर ये मुख व्यक्ति की हर मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। नृसिंह मुख, हनुमान जी का नृसिंह मुख दक्षिण दिशा की ओर है, बजरंगबली का ये अवतार डर, तनाव और मुश्किलें दूर करता है। दोस्तों, आशा करती हूँ अब अगर आप भी अपने घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिल गई होगी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।